नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्या है यार में। और इसी के साथ मैं बहुत बड़ी खबर लेके आ चुका हूँ। भारत और नेपाल बॉर्डर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये सीमाएं एक साल से अभी तक बंद पड़ी थी। बीच में इन्हें खोल दिया गया था, बीच में ये एक महीने खुली थी। इस बॉर्डर्स को पार करने के लिए लोग अपनी ID प्रूफ या कोरोना टेस्ट दिखा के बॉर्डर्स को पार कर रहे थे। तो एक इन्हीं हालातों को देखते हुए कुछ इन 2 या 4 दिन पहले भी एक अपडेट आई थी, आज और फिर एक नई अपडेट आ चुकी है भारत और नेपाल बॉर्डर्स के ऊपर। तो वो अपडेट क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो खबर यह है कि जो भारत और नेपाल के 22 बॉर्डर हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। जो दोनों सीमाओं से लगते हैं, जो नेपाल और भारत से दोनों लगते हैं बॉर्डर्स, उन्हें बंद कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है बंद? इसका कारण है कोरोना काल। कोरोना ने अब की बार बहुत ज़्यादा कहर मचा रखा है, क्योंकि कोरोना का 3rd स्टेज पहुंच चुका है भारत में, जिसके कारण उन्होंने इसे बंद कर दिया गया है और कोरोना के मरीज भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो नेपाल को भी इससे भय बन चुका था कि अगर भारत से कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आ गया नेपाल में तो वो है कहर मचा सकता है, कोरोना का कहर मचा सकता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव केसेस चल रहे हैं नेपाल और भारत के मध्य, जिसके कारण भारत और नेपाल के बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। 22 बॉर्डर ऐसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, और उन 22 बॉर्डर्स की लिस्ट आनी अभी बाकी है। तो वो उस लिस्ट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से जो 22 बॉर्डर हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, और जिसे भारत और नेपाल के दोनों सरकारों द्वारा, KP ओली शर्मा व PM मोदी द्वारा बंद कर दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। तो जिसमें PM मोदी और KP ओली शर्मा के कुछ बयान भी रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, और उसके अंदर जो 22 बॉर्डर्स की लिस्ट आने वाली है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय नेपाल। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, हमेशा नई अपडेट के साथ।